नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। जो लोग जा रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। नहीं, वो जा नहीं रहे हैं, वो आकर के देखेंगे तेरे को। जो सोए हुए तो यहाँ है ही नहीं। चार पंक्तियां श्रृंगार की आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहती हूँ और अपने काव्य पाठ की शुरुआत आप लोगों के बीच करना चाहती हूँ। स्वागत। पीछे जो लोग खड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करती हूँ वो भी उचित स्थान देखकर बैठ जाए। नहीं, वो आपको देखेंगे उसके बाद बैठेंगे, क्योंकि ज्यादा देर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है, पैर भारी हो सकते हैं और पुरुषों के पैर भारी हो ये अच्छी सूचना नहीं है। नहीं, ऐसे कानून पास हो गया आजकल, इसीलिए वो भी उचित स्थान देखकर बैठ जाए। बैठ जाओ। पेड़ के नीचे कुछ जड़ी बूटियां उपस्थित है, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। इस तरफ कुछ लोग ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, मुझे उनकी चिंता कुछ ज्यादा है क्योंकि वो ईश्वर के ज्यादा नजदीक है। नहीं, उनको भी आपकी चिंता है, वो आपके लिए ही आए हुए हैं। जैसे ही वहां से नीचे आएंगे वो ईश्वर के और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। वो ऊपर बैठे हुए ऐसे देख रहे हैं जैसे वो बांदरे चूरमे की थाली को देखते हैं ना, वही दशा है इनकी। ये एक दादा आगे आ रहे हैं, उन्हें पीछे से दिख नहीं रहा था। नहीं, उनको किसी ने कहा है कि तुम्हारी सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी, एक छोरी को देखो। उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ। नहीं, उनकी नहीं, सारे डोकरों की पीड़ा है, ये देख करके काम काटते हैं। अब इस उम्र में कुछ होना जाना तो है नहीं, देखते रहते हैं बेचारे, देखने में तेरा क्या बिगड़ रहा है। मेरी कुंडली में एक राहु खड़ा हुआ है, मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। चार पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत आप लोगों के बीच करना चाहती हूँ। स्वागत। पहली बार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, मुझे नहीं पता आप श्रृंगार को किस तरीके से सुनेंगे, लेकिन चार पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ना चाहती हूँ। ये चार पंक्तियां तय करेगी कि मुझे आप लोगों के बीच अपना काव्य पाठ कितनी देर करना है। मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ और चार पंक्तियां आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहती हूँ। मंच का ध्यान चाहती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। चार पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ना चाहती हूँ, अगर ये चार पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो फिर पूरे सदन की तालियां मुझ तक जरूर पहुंचे। चार पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ, सुने। कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ, मैं मानस में लिखा पावन सवैया देख आती हूँ, मेरे मंदिर न जाने का सबब सखियों से क्या बोलूं, छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो जो ऊपर छत वाड़ पर बैठे हैं उन्होंने भी कुछ कहा है तेरे लिए। उन्होंने ये कहा है कि कम देखने जाते हैं पर ज्यादा नहीं दिखता, कम देखने जाते हैं पर ज्यादा नहीं दिखती, ऐसी कोई हमको मर्यादा नहीं दिखती, तू मंदिर में जाकर भी कन्हैया देख लेती है, ये रोज छत पे जाते हैं राधा नहीं दिखती। क्या करे साहब, इनकी मजबूरी अलग है, इन्हें राधा नहीं दिखती मैं जानती हूँ, पर इनके लक्षण भी वैसे होने चाहिए कि राधा दिख जाए। इनके लक्षणों में क्या कमी है, कभी काम में लेके देख, बहुत तगड़े लक्षण है इनमें तो, 100% रिजल्ट देते हैं, सेवा करते हैं, कपड़े धो लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, क्या चाहिए और बता। उनका उनके लक्षण तो मैं नहीं जानती लेकिन आपके जरूर जानती हूँ। मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूँ, फिर अपना काव्य पाठ इन लोगों के बीच पुनः प्रारंभ करना चाहती हूँ। स्वागत। बात अगर पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। चार पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ, इस चेंचिस को देखना और मेरी पंक्तियां सुनना। सीधे नहीं, आशीर्वाद का पहले मतलब समझ लो। आशीर्वाद का मतलब कोई नहीं लुगड़ी चुनड़ी कुंदेनी, इसका मतलब होता है ताली बजाना है। और मेरा चेचिस क्या देखना है, मेरा डोकरा था वैसा ही हुआ, अब चेचिस बड़ा करने के लिए सरपंच जी को थोड़ी बाप बनाता मैं, ये सर लेना देना, चेचिस तो गर्गेल ही होगा। चार पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। भूटान होकर इटली बन रहे हो, वाह, भूटान होकर इटली बन रहे हो, शक्ल की बजी है 12 फिर भी खली बन रहे हो, वाह, और हसीनाएं अंकल कहती है आपको, हसीनाएं अंकल कहती है आपको, अनारकली को देखकर बाहुबली बन रहे हो, वाह 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 वाह। सुन, हमारी जैसी किस्मत पर दुनिया नाच करती है, हमारी जैसी किस्मत पर दुनिया नाच करती है, और हमारे चेहरे पर ही दुनिया आकर के ताज धरती है। तू इटली को साधारण मत समझ भाई,
ये भारत देश है, यहाँ पर इटली राज करती है, ये भारत देश है, यहाँ पर इटली राज करती है, का मतलब निकल। चार पंक्तियां और इन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। करती रहे, यही चौका लगा अभी तक को नहीं, बाकी तो मजे को ना रही। तू तो चार चार नहीं बोले, सोलह सोलह कर, ये भी राजी है आराम से। यहाँ का तो पितरा पानी अब दिल्ली है, तू तो बोल। चार पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ, कर दो। लेकिन पूरे सदन का आशीर्वाद इन चार पंक्तियों पर चाहती हूँ। बात अगर आपके मन की हो जाए तो फिर आप लोगों का मन चाहती हूँ। चार पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। कि एक तरफ है गड्ढा, दूसरी तरफ खाई तो नहीं। एक तरफ है गड्ढा, दूसरी तरफ खाई तो नहीं। ये जिसे ढूंढ रहे हैं वो हर जाए तो नहीं। और कैसे यकीन कर लूं इन पर, कैसे यकीन कर लूं इन पर, कहीं ये भी राम रहीम के भाई तो नहीं। वाह 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 वाह, मेरी बात सुन। इसका भी एक टेक्निकल कारण है। बेचारे राम रहीम को बदनाम क्यों करते हो आप लोग? वो कारण क्या था कि हार का कारण नहीं पीछे जीत थी, हार का कारण नहीं पीछे जीत थी। और इस दुनिया की अजब सी रीत थी, राम रहीम तो माड़ा फेर रहा था गुफा में, उसकी तपस्या इसलिए बिगड़ी कि पीछे अनिप्रीत थी। अरे बेचारे राम रहीम क्या करे, तो तुम्हें देख करके डोल बिखर जाते उनके। कई बाबाओं के देख ऐसे आंखें खोल करके बैठे, ज्यादा मत देखो। तीन चार बाबा पड़ोस के गांव में बाड़े हो गए, आज तक ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। ऐसे बढ़िया पड़ रही है भाई, ताली बजाओ जोरदार। चार पंक्तियां और निवेदन करती हूँ, करो। फिर अपना काव्य पाठ आप लोगों के बीच प्रारंभ करूंगी। सरपंच जी को चार पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ। अंतिम काय को, अभी तो सकरात है, शुरू हुआ है। इश्क फरमाने की बात करते हैं, वाह। चांद लाने की बात करते हैं, आहा। इश्क फरमाने की बात करते हैं, चांद लाने की बात करते हैं। उम्र तो हो गई है चार धाम देखने की, अब बैंकॉक जाने की बात करते हैं। वाह 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 वाह, उम्र का क्या अंतर जी बताओ ये मुझे। यहाँ 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 भारत में लोग अजीब काम करते हैं। यहाँ भारत में लटूरी जी नई चीज सुनो, यहाँ भारत में लोग अजीब काम करते हैं, बिना मतलब ही हर किसी को सलाम करते हैं। अरे जवान राहुल सलमान कंवारे फिर रहे हैं, ब्याह इस उम्र में दिग्विजय सिंह और आसाराम करते हैं। तो बुढ़ापे के पास अनुभव होता है, जवानों के पास क्या होता है, हमारे पास तो टैलेंट है। और चार मुझे क्यों दे रही है, सरपंच साहब को भी तो लिफाफा यही देंगे, नहीं तो बीच वाले डोकरे जी को दे दे, हिम्मत सिंह जी को, बहुत बढ़िया आदमी है ये भी, सकरात को आया देगी तो दान पुण्य होगा। चार पंक्तियां श्रृंगार की आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहती हूँ और अपने काव्य पाठ की शुरुआत आप लोगों के बीच करना चाहती हूँ। अगर आप मेरा काव्य पाठ सुनना चाहते हैं, एक बार ताजे से मुझे आदेश दे कि आप लोग सुनना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सुनने को तो केवल हमें ही सुनते हैं, ये आपको तो सुनना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं, ऐसी बात है, आप तो आराम से। चार पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। स्वागत। बिना पानी कभी पत्थर जमी पर बह नहीं पाए, बिना पानी कभी पत्थर जमी पर बह नहीं पाए। परिंदे आद तन थे एक शजर पर रह नहीं पाए। इश्क इजहार सुनने को कसम से आखरी दिन भी मैं कितनी देर तक ठहरी, मगर तुम कह नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के सम्मान में चार पंक्तियां ले सुमृता, बहुत बढ़िया चीज सुन, क्योंकि जब हम आते हैं तो रियाज हो जाते हैं। कांकरोली की जमीन है, चार पंक्तियां तो कह रही ना, पत्थर में बह नहीं पाते, तब सुनना। लटूरी भाई नई चीज सुनो कि हम मोहब्बत के पुजारी है, कहां बेर लाते हैं, हम प्रेम के पुजारी है, नहीं बेर लाते हैं। जिंदगी में हसीनों की सैर लाते हैं, तू नहीं जानती पत्थरों की तासीर या पानी की। जब नाम पत्थर पे राम का लिखे तो पत्थर तैर जाते हैं, तो पत्थर तैर जाते हैं। क्या बात करते हो, आनंद करो, एक बार जोरदार ताली बजाओ और बाई के गीत सुनो आप। चार पंक्ति और श्रृंगार के निवेदन करती हूँ, उसके बाद एक गीत हास्य का आप लोगों के बीच पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। आपके मन की बात यहाँ से करके जाना चाहती हूँ। करो। इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ, आई और कविता में बहुत छोटी हूँ। और कहते हैं कि जो परिवार में सबसे छोटा होता है उससे सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है। इसी उम्मीद के साथ चार पंक्ति आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहती हूँ। पीछे जो लोग उपस्थित है उनके हाथ अभी तक नहीं खुले हैं, उनका आशीर्वाद मुझ तक अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं चार पंक्तियां उन तक पहुंचाना चाहती हूँ और उन लोगों का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। स्वागत। इन आँखों से मोती
लुटा करके देखो, मोहब्बत से नजरे मिला करके देखो, क्या बात, गुलाबों के जैसे महकने लगोगे, किसी से जरा दिल लगा करके दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हास्य का गीत आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहती हूँ। क्या बात है, गीत प्रारंभ कर रही हूँ, आप लोगों की तालियों की ताल मुझे मिलेगी तो मुझे गीत सुनाने में आपको सुनने में आनंद आएगा, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ पूरा। ये गीत विशेष तौर पर कि सबसे ज्यादा तालियां आप ही बजा सकते हैं आज। हाय हाय, नहीं ये भी बजाते हैं ताली, इनसे तो कोई उम्मीद कर नहीं सकती। नहीं, इसका कारण है ताली क्यों नहीं बजाते, देख मैं तुझे बताऊं, इनकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो क्या, ताली क्यों नहीं बजाते कि जिसकी बीबी हेमा मालिनी हो तो साली की याद किसे रहती है, जब बीबी फूट रही हो तो साली का निकुन देखे, जिसकी बीबी ऐश्वर्या हो साली की याद किसे रहती है, जो खुद घट लेकर बैठा हो प्याली की याद किसे रहती है, ये काकरोली वाले तो तेरे रूप में खो जाते हैं सुमित्रा, ऐसे मौसम में भला ताली की याद किसे रहती है, ऐसे मौसम में भला ताली की याद किसे रहती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ ताकि भाई को लगेगा आप इसे देख रहे हो। एक गीत आप लोगों के बीच प्रारंभ करना चाहती हूँ, आपका साथ चाहती हूँ, गीत प्रारंभ करती हूँ, सुने स्वागत। चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, तालियों की ताल मिलेगी तो मुझे गीत सुनाने में आनंद आएगा। चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, आप भी बजा सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, सुने। चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, जब तक पूरा सदन तालियां नहीं बजाएगा तब तक तो मैं यही पंक्तियां पूरी हाय हाय यही पंक्तियां दोहराऊंगी, सुने। चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रही हूँ, जब तक तालियां नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगी, सुने। चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे कन्नड़ उड़िया दिल्ली गुजराती हरियाणी, चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे कन्नड़ उड़िया दिल्ली गुजराती हरियाणी, चाहे बंगाली बाबू हो या दिल फेक बिहारी, सबको घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, सबको घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। जय हो। जो लोग अपने घर में बताते हैं कि वो क्या है और बाहर जब कुछ नहीं बोल पाते, उनके लिए एक बंद निवेदन करना चाहती हूँ, बात अगर पहुँच जाए तो सूचना दीजिएगा, निवेदन करती हूँ, सुने। घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, क्या बात है, घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, बाहर वाली बिल्ली ले गई सारा माल झपटके, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, बाहर वाली बिल्ली ले गई सारा माल झपटके, कई दुकानों पर लिखवा दी तेरे नाम उधारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। कुछ नौजवान यहाँ पर उपस्थित हैं, ये जानते हैं कि वो लड़की आपसे प्रेम नहीं करती, फिर भी जानबूझकर उसके पीछे पड़ते हैं, वो लड़की उनके बारे में क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, वो विचार आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ, अगर आप तक पहुँच जाए और बात अच्छी लगे तो फिर आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। अगला बंद निवेदन करती हूँ, सुने। जान बूझ कर बनता है या सच में है तू भोला, जान बूझ कर बनता है या सच में है तू भोला, तेरा नाम लिखा है उसने मुर्गा नंबर 16। हाय हाय, क्या बात है, बहुत धन्यवाद। जान बूझ कर बनता है या सच में है तू भोला, तेरा नाम लिखा है उसने जानू नंबर 16। बड़ी करारी तुझे पड़ेगी ये आंखें
बजरारी फिर घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। गीत का आखिरी बंद आप लोगों के बीच निवेदन कर रही हूँ। मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, इस बंद में उनकी बात करना चाहती हूँ। अगर बात ठीक ठीक पहुंच जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। आखिरी बंद है गीत का और संदेश की बात आप लोगों के बीच करना चाहती हूँ। अगर वो संदेश आप तक पहुंच जाए तो फिर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहती हूँ। गीत का आखिरी बंद निवेदन कर रही हूँ, सुने। स्वागत। झरती मटकी भरी न जाएगी तो फिर रीतेगी, झरती मटकी भरी न जाएगी तो फिर रीतेगी, बीवी मजनू पालेगी तो तुझ पर क्या बीतेगी। क्या बात है, बहुत बहुत आभार। झरती मटकी भरी न जाएगी तो फिर रीतेगी, बीवी मजनू पालेगी तो तुझ पर क्या बीतेगी, प्रश्न अगर आया तो फिर पड़ जाएगा भारी, फिर घर वाली भिखारी है बाहर वाली भिखारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। क्या बात है। अंतिम चार पंक्तियां आप लोगों के बीच निवेदन करके जाना चाहती हूँ। मातृशक्ति एक गीत और हो जाता आपका जो प्रसिद्ध, एक गीत और होता है, समझे आप। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, को लग रहा है कि आप सुन नहीं रहे। है कोई सा भी पढ़ो आप, जचे जो पढ़ दो, ये तो देख रहे हैं, तो जचे जो पढ़ो बोले, हनुमान चालीसा भी पढ़ दे तो ये तो राजी है। ये दुखी तो माऊ ही है, और ये तो चार पंक्तियां भेजी है वहां की माता जी ने, वो सुन तू खास जो आपसे पूछना चाहती है। ये सारे गांव वाली परेशान थी, हम आ रही थी जब वो माता जी खड़ी थी तेरी तरफ देख रही थी, तब उन्होंने क्या पूछा। चार पंक्तियां उन्होंने भेजी है माताओं ने आपके लिए खास, वो सुनना कि ये शब्दों का शानदार ऐश कहां से लाई हो, ये शब्दों की शानदार ऐश कहां से लाई हो, और ये पावन पवित्र सा परिवेश कहां से लाई हो। गीत आपके अच्छे हैं, शब्द भी बहुत सुंदर, पर वो माताएं पूछ रही है ड्रेस कहां से लाई हो, समझ में कौन आयो है, काई वो घाघरो है कि कोई चोड़ो है, काई है, तो ये पूछ रही है कि दर्जी किसे हो सी हो जो। एक गीत विशेष आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ, फिर भी एक गीत देशभक्ति का गीत आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ, आपको समर्पित कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है, एक गीत आप लोगों के बीच रख के जाना चाहती हूँ, आपकी देशभक्ति को आजमाना चाहती हूँ, देश प्रेम की बात आप लोगों के बीच करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। बहुत। गीत आप लोगों के बीच प्रारंभ कर रही हूँ, आप लोगों का मन चाहती हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ, गीत प्रारंभ करती हूँ, सुने। युद्धों के निर्णायक नभ में और रक्तिम तलवारों में, आए है। युद्धों के निर्णायक, तालियों के साथ चलेंगे इस गीत के साथ, आपकी तालियां चलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, सुने। युद्धों के निर्णायक नभ में और रक्तिम तलवारों में, प्रण की जगती ज्वाला में और आजादी के नारों में, जिसमें सब कुछ मिट जाता हो ऐसी जिद्दी आंधी में, लाल तिलक के सुर्ख रंग से लेकर गहरे गांधी में, तू सब धर्मी इस धरती पर नहीं कोई अवसाद रहे, उत्सव धर्मी इस धरती पर नहीं कोई अवसाद रहे, जिंदाबाद रहा है अपना भारत, जिंदाबाद रहे। क्या बात है, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद रहा है अपना भारत, जिंदाबाद रहे। गीत का अगला बंद निवेदन कर रही हूँ, सुने। सूरज के घर से लेकर के नभ के चांद सितारों में, सूरज के घर से लेकर के नभ के चांद सितारों में, कल कल करती नदियों से लेकर के महाकिनारों में, पतझड़ के पत्तों से लेकर सावन की हरियाली में, बैसाखी राखी से लेकर होली और दिवाली में, आज तिरंगा बोल रहा है रंग सभी आ
अपना भारत जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहा है अपना भारत जिंदाबाद रहे। गीत का आखिरी बंद निवेदन कर रही हूँ। स्वागत। किसानों की बात इस गीत में हो जाए, किसानों की बात अगर इस बंद में हो जाए तो फिर पूरे सदन का आशीर्वाद आखिरी बंद पर चाहती हूँ और आप सभी से विदाई की तालियां चाहती हूँ। गीत का आखिरी बंद निवेदन कर रही हूँ। स्वागत। कठिन तपस्या से लेकर के देवों के वरदानों में, आए हाय। कठिन तपस्या से लेकर के देवों के वरदानों में, खेतों खलिहानों से लेकर धरती पुत्र किसानों में, खेतों खलिहानों से लेकर धरती पुत्र किसानों में, ज्ञान तत्व के गहन मौन से लेकर के सुरतानों में, चौसर की बाजी से लेकर खेलों के मैदानों में, देश प्रेम के गीत सुनाती हर बस्ती आबाद रहे, देश प्रेम के गीत सुनाती हर बस्ती आबाद रहे, जिंदाबाद रहा है अपना भारत जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहा है अपना भारत जिंदाबाद जिंदाबाद।